लेट्स लुक एट द फर्स्ट रूल दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और उसके बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि ये uh, कैसे परफॉर्म करता है लेट्स से देर आर फाइव जॉब्स जो के परफॉर्म uh, होने एंड फर्म वांट टू डिटरमिन के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल अगर हम यूज करें तो उसके uh, क्या परफॉर्मेंस क्या होगी uh, डिफरेंट मस के अंदर वो कैसा परफॉर्म करेंगे जॉब्स uh, को जो लेटर असाइन किए हुए हैं इस केस में इस प्रॉब्लम में ए बी सी डी ई ये उनके अराइवल के बेसिस के ऊपर है पहले जो आया उसको ए दे दिया सेकेंड आया वो बी दे दिया एंड सो वन एंड टुडे इज़ द फर्स्ट डे जबकि ये काम शुरू होना है डे uh, वन और वर्क आज से शुरू होगा तो इसके बेसिस के ऊपर ड्यू डेट वगैरह कैलकुलेट की हुई है तो so, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं प्रोसेसिंग uh, टाइम और ड्यू डेट की वो बेसिकली ये है कि ए जो है जॉब जो सबसे पहले आया उसके सिक्स डेज का टाइम पड़ा हुआ प्रोसेसिंग का और एट डेज ड्यू डेट के अंदर आठ दिन रहते हैं बी uh, का दो दो दिन का प्रोसेसिंग का टाइम रह गया है और छ दिन पड़े हैं ड्यू डेट में सी uh, का आठ दिन का प्रोसेसिंग टाइम और अठारह दिन ड्यू डेट के हैं जबकि डी के थ्री डेज हैं प्रोसेसिंग के और पंद्रह दिन पड़े हैं ड्यू डेट में और ई e का नाइन डेज का प्रोसेसिंग रह गया है और ट्वेंटी थ्री डेज़ ड्यू डेट के अंदर रहते हैं अब इसके बेस के ऊपर अगर हम देखें तो हमारा जो सीक्वेंस uh, है दैट इज़ ए बी सी डी ई जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जो है उसको एसाइन कर दिया था एंड सो ऑन तो हमने उसी सीक्वेंस के अंदर इसको रखना है और हमने फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज जॉब्स का सीक्वेंस का ऑर्डर है सेकंड जो कॉलम है वो प्रोसेसिंग टाइम हर जॉब का प्रोसेसिंग टाइम उसमें दिया हुआ है ए का सिक्स है बी का टू है फिर सी एट है डी थ्री है ई e नाइन है देन वी कैलकुलेट द फ्लो टाइम फ्लो टाइम के कितनी देर वो सिस्टम में रहेगा फॉर एग्जाम्पल ए सिक्स प्रोसेसिंग टाइम सिक्स डेज का है और उसका सबसे पहले वो शुरू हो रहा है तो उसको सिक्स डेज ही लगेंगे लेकिन जो बी है वो सिक्स डे पर उसका उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू होगी जब ए की ख़त्म होगी और दो दिन लगेंगे तो वो आठवें दिन कंप्लीट होगा इसी तरह सी जो है वो आठ दिन पे एट डे पर शुरू करेगा और आठ दिन उसका प्रोसेसिंग है तो सिक्सटीन पर कंप्लीट होगा एंड सो so ऑन तो ये हमने फ्लो टाइम किया है कि हर जॉब कितनी दिन सिस्टम के अंदर रहेगा और उसका जो हम टोटल सम करें तो वो 77 सेवन बन रहा है जॉब ड्यू डेट गिवन है एट सिक्स एटीन फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री ये इन जॉब्स के दिए हुए हैं और लेटनेस अकॉर्डिंगली हमने ये देखना है कि जो जॉब है ये कितने दिन लेट हो, हो रहा है फॉर uh, एग्जांपल ए जो है वो छः दिन उसने सिस्टम में रहना है और उसके ड्यू डेट इज़ एट ट मीनस कि वो लेट नहीं है वह पहले कंप्लीट हो रहा है जबकि बी जो है उसके आठ दिन का टाइम रहता है और छह दिन सिर्फ ड्यू डेट में रहते हैं तो दो दिन से वो लेट हो जाएगा सी जो है वो सिक्सटीन डेज उसका सिस्टम के अंदर रहेगा लेकिन एटीन डेज का उसका ड्यू डेट है तो अगेन जीरो लेटनेस जबकि डी फोर डेज लेट होगा क्योंकि नाइनटीन उसका प्रोसेसिंग टाइम का रहता है और फिफ्टीन ड्यू uh, डेट है तो वो फोर uh, डेज से लेट हो जाएगा इसी तरह ई जो है वो ट्वेंटी एट डेज सिस्टम के अंदर रहेगा और ट्वेंटी थ्री डेज उसके ड्यू uh, डेट के हैं तो वो पाँच दिन वो लेट हो जाएगा तो टोटल इसके जो लेटनेस है वो एलेवन बनती है नाउ वी कैलकुलेट द मई परफॉर्मेंस मई उसमें कैसा परफॉर्म किया इसने एवरेज कंप्लीशन टाइम टोटल फ्लो टाइम हमने देखा था कि 77 आ रहा है पांच जॉब्स हैं तो एवरेज कंप्लीशन टाइम इज के 15.4 डेज हैं जो कि एवरेज नंबर ऑफ डेज एक जॉब सिस्टम के अंदर रहेगा ओके यूटिलाइजेशन इज टोटल प्रोसेसिंग टाइम जो है इनका रहता वो 28 डेज का है जबकि टोटल फ्लो टाइम वॉज 77 हमने वो कैलकुलेट किया था जो कि इधर भी यूज़ किया हमने uh, तो इसके हिसाब से ये थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट यूटिलाइजेशन आ रही है एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम इज़ बेसिकली वन ओवर यूटिलाइजेशन कह लें या टोटल फ्लो टाइम डिवाइड बाय टोटल जॉब प्रोसेसिंग टाइम कह लें तो उसके जो कैलकुलेशन है उसमें टू पॉइंट सेवन फाइव नंबर ऑफ जॉब्स एक वक्त में uh, नज़र आ रहा है सिस्टम के अंदर मौजूद हैं एवरेज जॉब लेटनेस हमने देखा था कि एलेवन डेज की लेटनेस आ रही है टोटल डिफरेंट जॉब्स के अंदर और पांच जॉब्स हैं तो उस बेसिस पर हम कैलकुलेट करें तो 2.2 डेज एवरेज जो एक जॉब है वो लेट 2.2 डेज के साथ हो रहा है